हेलो स्टूडेंट्स तो आज आपका मेरिटोरियस का पेपर है तो हम पहले इंग्लिश के सेक्शन से शुरू करेंगे जल्दी जल्दी हम आंसर्स कर लेते हैं इनके फर्स्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो है सी और सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर और थर्ड के लिए जो हमारा है सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर और फोर्थ के लिए हमारी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए हमारी जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है और जब अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स में हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और सेवन्थ के लिए अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और एट्थ क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और नाइन्थ क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और सॉरी oh, नाइन्थ के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और टेंथ के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इसके बाद हम देखते हैं इलेवंथ क्वेश्चन uh, जो एलेवंथ क्वेश्चन है उसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है जो वो राइट right आंसर है और ट्वेल्थ uh, के लिए भी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर थर्टीन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फोटीन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और फिफ्टीन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और सिक्सटीन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और सेवनटीन के लिए हमारी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एटीनथ के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर एंड नाइनटीन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ट्वेंटियथ के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन से लेकर थर्टी तक हमने पैराग्राफ में से सॉरी ट्वेंटी सेवन तक हमने पैराग्राफ में से आंसर देने हैं तो यहाँ पे देखिए हमको पैराग्राफ दिया हुआ है और उसमें से आंसर हमारा ऑफ ट्वेंटी वन का जो ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी टू के लिए ऑप्शन नंबर बी और ट्वेंटी थ्री के लिए जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और उसके बाद जो हमारा ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है उसके लिए राइट right आंसर है ए ऑप्शन ट्वेंटी फाइव के लिए जो हमारी राइट ऑप्शन नंबर डी है ट्वेंटी सिक्स के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ट्वेंटी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ट्वेंटी एट के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ट्वेंटी नाइन के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और थर्टी क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है उसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शन शुरू होता है जिसमें थर्टी फाइव क्वेश्चन है तो थर्टी फर्स्ट का जो ऑप्शन है हमारा आंसर ये है हमारा थर्टी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर थर्टी टू के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और थर्टी थ्री के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर थर्टी फोर के लिए हमारी है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर थर्टी फाइव के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर नाउ इसके बाद हाँ जी इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो शुरू होता है मैथेमेटिक्स uh, सेक्शन का ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हाँ थर्टी सिक्स के लिए जो हमारी राइट ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर थर्टी सेवंथ क्वेश्चन के लिए राइट right आंसर है सी राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी थर्टी एट के लिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर थर्टी नाइन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फोर्टी के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फोर्टी के लिए हमारी जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फोर्टी के लिए राइट आंसर है बी ऑप्शन फोर्टी के लिए हमारी जो ऑप्शन नंबर हमारी डी इज़ द राइट आंसर है फोर्टी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फोर्टी के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फोर्टी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फोर्टी सिक्स के बाद फोर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन जो ये भी हमारा मैथमेटिक्स का है तो फोर्टी सेवन क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है हमारा वो बी ऑप्शन है और फोर्टी एट के लिए जो हमारी राइट ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फोर्टी नाइन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और फिफ्टीथ क्वेश्चन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फिफ्टी फर्स्ट के लिए हमारी जो राइट right वो है सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फिफ्टी टू के लिए हमारी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फिफ्टी थ्री के लिए हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 54 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर 55 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 56 के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर अब 56 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि मैथमेटिक्स का तो फिफ्टी का जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और 58 के लिए हमारी राइट ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 59 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सिक्सटियथ के लिए हमारी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और सिक्सटी के लिए हमारी जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सिक्सटी टू के लिए हमारी ऑप्शन नंबर जो सी इज़ द राइट आंसर सिक्सटी थ्री के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर सिक्सटी सिक्स के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर सिक्सटी फाइव के लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर मैथ्स के बाद हमारा साइंस सेक्शन है जिसमें 35 फाइव क्वेश्चन और 66 से ये शुरू होता है जो 66 का जो हमारा राइट right आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ब्लीचिंग पाउडर 67 के लिए जो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी एल्कली और 68 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिक्सटी के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है और सेवनटी के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर सेवेंटी के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर और सिक्स 2 के लिए भी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर 73 के लिए हमारी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर है और 74 के लिए 74 भी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर 75 के लिए भी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर और 76 के लिए डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर और 77 के लिए हमारी सी ऑप्शन इज अ राइट right आंसर इसके बाद हम करते हैं साइंस के अगले क्वेश्चन 78 से जो शुरू होते हैं तो 78 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर है 79 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और एटियथ के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और 81 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर एट्टी के लिए हमारी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एट्टी के लिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एट्टी के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एट्टी सॉरी एट्टी एटी फाइव के लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर एटी सिक्स के लिए हमारी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 87 सेवन के लिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और एट्टी एट के लिए 88 एट की डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर 89 नाइन के लिए हमारी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नाइन्टीयथ के लिए भी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर और नाइन्टी वन के लिए डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा 92 टू नंबर क्वेश्चन 92 टू नंबर क्वेश्चन में हमारा जो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर 93 के लिए भी बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर 94 के लिए बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर 95 के लिए भी बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर 96 के लिए भी बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर और 97 के लिए भी बी ऑप्शन ये लगातार बी ऑप्शन ही हैं 92 से लेकर 97 तक ना 98 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर 99 के लिए भी ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर और हंड्रेड क्वेश्चन के लिए भी डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर तो स्टूडेंट्स ये थे टूर्स के हंड्रेड क्वेश्चन आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी तो आज के एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग ओके थैंक्स